नमस्कार, न्यूज फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। प्यासे बुंदेलखंड को मिलने जा रहा है बड़ा तोहफा। जी हां, हर जल नल योजना का उद्घाटन जल्द ही पीएम मोदी करने वाले हैं। तो क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में हर घर नल योजना का उद्घाटन कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी इस महीने के आखिर में बुंदेलखंड में इस योजना को जनता को समर्पित करने वाले हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने पीएमओ को प्रस्ताव भेजा है और वहां से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार पीएम के कार्यक्रम की तैयारी करेगी। असल में जनवरी के महीने में चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है, लिहाजा राज्य की योगी सरकार इस योजना को चुनाव के ऐलान से पहले बुंदेलखंड में लागू कर कई दशकों के पानी की समस्या से जूझ रहे इस क्षेत्र में इस समस्या को खत्म करना चाहती है, ताकि राज्य में होने वाले चुनाव में उसको लेकर कोई सियासी लाभ मिल सके। अगर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में राज्य सरकार की योजना लागू होती है तो यहाँ की महिलाओं को और अन्य लोगों को अब मीलों दूर से पीने के पानी के लिए जाना नहीं पड़ेगा। असल में बुंदेलखंड में पानी की समस्या बहुत बड़ी है और यहाँ पर पीने के पानी के लिए कई मील जाना पड़ता है। वही पानी की कमी के कारण इस इलाके में खेती भी नहीं हो पाती है। वहीं योगी सरकार दिसंबर से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के हजारों गाँव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू करने जा रही है। केंद्र सरकार की मदद से चली आ रही हर घर नल योजना पूरी होने वाली है और उसके लिए ट्रायल रन शुरू हो चुका है। वहीं जल जीवन मिशन के अधिकारी कई महीने से इस योजना में लगे हुए हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने इस योजना को दिसंबर में बुंदेलखंड की जनता को समर्पित करने का लक्ष्य रखा है। जानकारी के मुताबिक झांसी और महोबा समेत बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काफी हद तक काम भी पूरा हो गया है। बता दें कि प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के हजारों घरों में पेयजल की आपूर्ति शुरू करने की तैयारी है और अधिकांश संयंत्रों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। उनका कहना है कि शुद्ध पानी मिलने से इस क्षेत्र के लोगों को न सिर्फ पानी मिलेगा बल्कि खराब पानी से होने वाली बीमारियों से भी निजात मिलेगी। बुंदेलखंड और विंध्य में करीब 3 लाख घरों में पानी पहले चरण में पहुंच जाएगा। फिलहाल जल जीवन मिशन के तहत यूपी सरकार साल 2021-22 में 78 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करेगी, जबकि यूपी के गांव में 2.63 करोड़ परिवार रहते हैं। राज्य में पिछले वित्तीय वर्ष में 19.15 लाख नल कनेक्शन दिए गए थे। असल में यूपी में चुनाव होने वाले हैं और राज्य में योगी सरकार योजनाओं का उद्घाटन और नई योजनाओं का शिलान्यास कर रही है। राज्य में 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बुंदेलखंड में अच्छा प्रदर्शन किया था और बीजेपी ने विपक्षी दलों को मात देते हुए 19 सीटों पर कब्जा जमाया था। असल में बुंदेलखंड के 7 जिलों में 19 सीटें हैं और अब बीजेपी एक बार फिर इस इलाके में परचम लहराना चाहती है और यही वजह है कि बुंदेलखंड वासियों के साथ साथ और यही वजह है कि लगातार नए नए सौगात दे रही है यूपी सरकार यूपी वासियों को और अब बुंदेलखंड के लोगों को हर घर नल योजना का सौगात आने वाले दिनों में पीएम मोदी के द्वारा दिया जाना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।